वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेसेट क्लासेस। तो आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है जो चैप्टर चल रहा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इसमें टॉपिक है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जो हमने पैसा बिजनेस में लगाया है, जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, इस स्ट्रक्चर में दो तरह से पैसा इन्वेस्ट होता है, एक तो डेब्ट के थ्रू और एक इक्विटी के थ्रू। इन दोनों में मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में जो पैसा लगेगा उसमें कितना प्रपोर्शन डेब्ट का होगा, कितना प्रपोर्शन इक्विटी का होगा, इन दोनों के प्रपोर्शन को हम बोलते हैं क्या? कैपिटल स्ट्रक्चर। समझ आ गई बात? तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी टू बी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस। पढ़ते हैं एक बार मीनिंग क्या लिखा है। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। समझ आ गई बात? कितना प्रोपोर्शन डेब्ट का, कितना प्रोपोर्शन इक्विटी का। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज डेट इक्विटी रेशियो। क्या रही इसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में आप डेट इक्विटी रेशियो के फॉर्मेट में भी जानते हैं। क्लियर हो गई बात? अब इस टॉपिक में हमारा एक न्यूमेरिकल बनता है, वो न्यूमेरिकल हम समझते हैं। न्यूमेरिकल समझने से पहले हम समझेंगे दो टर्म्स, एक होता है फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, एक होता है अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। बेटा फेवरेबल कब होगा? जब वो आपके फेवर की बात करेगा, और फेवर की बात में मैं आपसे दो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, बताना सर कौन सी फेवर में है और कौन सी फेवर में नहीं है। एक टर्म होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको इन दोनों टर्म्स का मतलब पता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? कि मैंने जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी है उस इन्वेस्टमेंट पे मैं कितना अर्न करूंगा, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? जो पैसा मैंने लगाया है उस पैसे पे मुझे कितना इंटरेस्ट देना है। भाई कहीं पे पैसा लगा रहे हो तो वो पैसा कहीं ना कहीं से तो चाहिए होगा, चाहे वो अपना हो चाहे वो बोरो किया हो। अपना होगा तब भी हम उस पे इन्वेस्टमेंट पे रेट लेते हैं या नहीं? आप सोचते हैं सर अपने पैसे पे क्या लेना, अपने पैसे पे भी हम रिटर्न मांगते हैं। कितना रिटर्न मांगते हैं? कि भाई ये पैसा अगर मैं यहां ना लगाता तो एफडी या कहीं लगाता, वहां से जितना कमाता इतना तो रिटर्न चाहिए ना मुझे। तो कह रहे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्टमेंट पे जो पैसा लगा है, जिसका पैसा है वो कितने पैसे मांग रहा है बदले में, उसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। वरना आप कह सकते हैं लोन पे जो इंटरेस्ट देना। अब ध्यान से सोच के बताना, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है तो आपके लिए फायदे की बात है नुकसान की बात है? यानी कि ये क्या है जो आप कमा रहे हैं और ये क्या है जो आपको देना पड़ेगा? तो ये तो लॉस हो गया ना सर, आपको कमाया कम और खर्चा ज्यादा, तो ये अनफेवरेबल हो गया। और अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन तो दिस इज फेवरेबल। तो हमारे लिए फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज समझ रहे हैं पहले। तो फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज इज रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, द सिचुएशन इज कॉल्ड फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। अब इसको हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि पेपर में आता है एक्सप्लेन फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज विद द हेल्प ऑफ एन न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे प्रूव करके दिखाना। मीनिंग लिखेंगे पहले, क्या मीनिंग होगा? फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट। ये हो गई फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। अब उसका एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ध्यान से समझेंगे बेटा। सपोज हमें इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है 30 लाख। कितने की? 30 लाख। ठीक है, टैक्स रेट इज 30%। ठीक है, हम तीन तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रपोजल ए, प्रपोजल बी एंड प्रपोजल सी। तीन ऑप्शन है हमारे पास इन्वेस्टमेंट के। इन्वेस्ट 30 लाख ही करना है और मेरी जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या फिर इसको मैं बोलता हूं अर्निंग बिफोर
इंटरेस्ट एंड टैक्स। मैंने जो कमाया वो कितना है, 30 लाख रुपए लगा के मेरा जो प्रॉफिट होगा वो होगा 4 लाख रुपए का, मैंने ऐसा एज्यूम किया। सिचुएशन समझ आई? अब मुझे 30 लाख जो इन्वेस्ट करने हैं, सपोज नो डेट, मैंने कोई उधार नहीं लिया, सारा पैसा इक्विटी से लगवा दिया, अपना लगा दिया ओनर्स ने। दूसरा केस, मैंने डेब्ट्स लिए एट द रेट 10% ऑफ रुपीज 10 लाख, तो इक्विटी कितनी हो गई बेटा आपकी बताओ, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है भाई, 30, लोन ले लिया 10 का, तो इक्विटी कितनी लगाओगे, 20 लाख लगानी पड़ेगी क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट 30 लाख की है मेरे पास, कोई प्रॉब्लम। तीसरा केस मैंने लिया, सर डेब्ट और बढ़ाओ, डेब्ट एट द रेट 10% वाले ये ले लो सर 20 लाख, तो इक्विटी कितनी हो गई आज का 10 लाख, क्योंकि इन्वेस्टमेंट टोटल 30 लाख ही करनी है मुझे। अब बच्चा कहता है सर नो डेब्ट तो एक नो इक्विटी वाली सिचुएशन बनाओ, बन सकती है, सोचना प्रैक्टिकली, क्या कोई बिजनेस आप ऐसा कर सकते हैं जिसमें अपना पैसा जीरो, सारा पैसा लोन पे लेके लगा दे, ऐसा होता है क्या रियल लाइफ में? क्या आपके बिजनेस में आपका पैसा लगे ना और उधार लेके आप लगा दो, क्या ऐसे कोई पैसे देता है आपको कि भाई अपना तो लगाया नहीं, सारा उधार पे लगा रहा, इसका मतलब लेके भाग जाएगा सब कहीं, समझ रहे? तो वो सिचुएशन पॉसिबल नहीं होती। मैंने क्या करा, नो डेब्ट, ऐसा हो सकता है जी, आपका बिजनेस है, आपने सारा पैसा लगा दिया, थोड़ा डेब्ट और डेब्ट को बढ़ा दिया, तीनों सिचुएशन समझ आई। आगे सर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में सबसे पहले मैं पेमेंट करता हूं इंटरेस्ट की, क्योंकि ये आउटसाइडर को देना, जो प्रॉफिट होता है सबसे पहले पेमेंट किसको करी जाती है, बाहर वालों को, प्रॉफिट में से कितना इंटरेस्ट, इस केस में तो है ही नहीं क्योंकि सारा मेरा पैसा, इस केस में इंटरेस्ट देना है 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख, इस केस में इंटरेस्ट देना है 2 लाख, 20 लाख का 10% 2 लाख, कोई प्रॉब्लम नहीं। अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट तो माइनस हो गया ना, तो आई हट गया इसमें, अर्निंग बिफोर टैक्स या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहां पे पूरा 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख माइनस टैक्स एट द रेट 30%, 120, 90, 60, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स 280, 210, 140। अब इसको ध्यान से समझेंगे हम, हमारे को ये तीनों केस देखने के बाद क्या लगा कि सर सबसे पहला ऑप्शन सबसे अच्छा है क्योंकि अर्निंग सबसे ज्यादा इसी में है सर, बट अगर हम इसको थोड़ा सा और एनालाइज करें तो हमें पता लगेगा कि वो वाला ऑप्शन सबसे अच्छा है। कैसे देखना, हम यहां पे निकाल रहे हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच। बेटा इक्विटी कितनी थी इसमें, 30 लाख की, 10 रुपए का एक शेयर है तो कितने शेयर हो गए, 3 लाख, समझ रहे हो कैसे आया 3 लाख, समझ आ गया। अगले केस में इक्विटी कितनी थी, 20 लाख की, 10 का शेयर है तो 2 लाख शेयर्स। तीसरे केस में 1 लाख शेयर्स, हम निकालते हैं अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, देखो टोटल हमने कितना कमाया 280 और शेयर कितने थे 3 लाख,
तो आप डिवाइड करेंगे इट कम्स आउट टू बी 0.93 पर शेयर. यहां पे जब आप निकालेंगे इट कम्स आउट टू बी 1.05 और ये आएगा 1.40. अब देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स का फायदा किसमें सबसे ज्यादा है, इक्विटी अर्निंग पर शेयर. शेयर वालों का फायदा तो सी में है क्योंकि उन्हें पर शेयर रुपीज 1.40 मिल रहा है, वहां पे यहां पे 0.93 मिल रहा है, तो यानी कि सबसे ज्यादा फायदा उसमें. ऐसा क्यों हो रहा है सर, ध्यान से समझेंगे लॉजिक. टैक्स तो है ही है, उसके अलावा एक बहुत सॉलिड लॉजिक है. मैंने यहां पे कितने पैसे कमाए, 4,00,000. कितने पैसे लगा के, 30,00,000. तो मैं यहां पे देखता हूं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कितना है मेरा, 4,00,000 अर्न किए, 30,00,000 लगा के इनटू 100, तो इसमें मैंने कमाया कितना, 13.33%. समझ आया कितना कमाया, 13.33%. और मुझे इंटरेस्ट देना कितना पड़ रहा है हर केस में, 10% डेप्ट पे. डेप्ट पे कितना देना पड़ रहा है, 10%. यानी के 13% कमा रहा हूं और दे कितना रहा हूं, तो इसका मतलब 3.33% मुझे फ्री में बच रहा है. तो इसका मतलब जितने ज्यादा डेप्ट होंगे उतना मेरा फायदा होगा. कैसे सोचते हैं, पहले केस में सारी इक्विटी थी तो जितना कमाया मेरा, मैंने कितना कमाया, 13.33 मेरा हो गया सारा का सारा. दूसरे केस में सोचना 20,00,000 मेरे थे, 20,00,000 पे 13.33 तो मेरा होगा और 10,00,000 पे इस पे भी 13.33 कमाया होगा क्योंकि ओवरऑल 13.33 कमा रहा हूं ना. तो 10,00,000 पे 13.33 कमा के उन्हें दिया कितना, सिर्फ 10%, यानी कि इनका 3.33 भी मेरा हो गया. अर्निंग बढ़ेगी बेटा, ऐड मत करना क्योंकि वो परसेंटेज में. एक लॉजिक समझा जाएगा दिमाग में कि मेरे वाली इन्वेस्टमेंट पे तो पूरा मेरा प्लस उनकी 10,00,000 पे भी मेरा 3.33%. और यहां पे क्या होगा, 10,00,000 पे जो मेरा है वो तो मेरा है ही, प्लस 3.33% 20,00,000 पे मेरा होगा, तो यानी कि इस पे अब 20,00,000 पे 3% बचेगा मुझे लगभग, तो मेरी अर्निंग ऑब्वियसली बढ़ने वाली है. क्लियर हो गई बात, तो क्योंकि इसमें ये केस आ गया सर मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज 13.33% इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 10%, तो ये फेवरेबल सिचुएशन ही होने वाली है. तो मैं डेप्ट को ज्यादा यूज करूंगा, जितने ज्यादा डेप्ट उतना ज्यादा मेरा फायदा. समझ आ गई बात, एक बार इसे रीड करते हैं न्यूमेरिकल को, यही सेम रिजल्ट है. कंपनी एक्स लिमिटेड हैज टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 30,00,000, टैक्स रेट इज 30%, ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 4,00,000. देयर आर 3 सिचुएशन, नंबर 1 नो डेट, नंबर 2 देयर डेट ऑफ रुपीज 10,00,000 एट द रेट 10% एंड देयर इज डेट ऑफ 20,00,000 एट द रेट 10%. इज इट ओके, नेक्स्ट पेज पे यही पूरी टेबल का बना के दिया होगा. सबको समझ आया टेबल कैसे बनाया, इस टेबल के नीचे कुछ लिखा है, वाई इज द ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर राइजेस विद हायर डेप्ट. कह रहे क्यों बढ़ रहा है, ये लॉजिक मैंने समझा दिया, एक बार पढ़ लेते हैं. इट इज बिकॉज कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज लोअर देन कंपनीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो है वो कम है, किससे कम है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, विच इज कैलकुलेटेड एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. कैलकुलेट करके दिखाइए, ये हमने निकाली ना, कैसे निकाले, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 दैट इज 4,00,000 अपॉन 30,00,000 इनटू 100 इट कम्स आउट टू बी 13.33. दिस इज हायर देन 10% रेट रिटर्न ऑन डेप्ट, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट पे ज्यादा, उससे ज्यादा है ये, विच इज हायर सॉरी विद द हायर यूज ऑफ डेप्ट दिस डिफरेंस ऑफ आरओआई एंड कॉस्ट ऑफ डेप्ट इंक्रीजेस द ईपीएस. कह रहे जो डिफरेंस आ रहा है ना 13.33, ड्यू टू दिस
EPS is rising. और मैंने आपको उसकी कैलकुलेशन पूरी ही समझा दी थी कि ऐसे बढ़ रहा है. क्लियर? आगे चलते हैं. This situation is known as favorable financial leverage. इसको हम क्या बोलते हैं? Favorable financial leverage भी बोलते हैं. और इसका दूसरा नाम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. तो अगर आता है एक्सप्लेन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल, दिस इज द आंसर ओनली. आप पहले फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज का मीनिंग बताएंगे, मीनिंग समझ आ गया ना सबको, ये लिखेंगे. फिर इसके बाद ये सिचुएशन में दो चीजें आपको एजम्पशन लेनी है, ये तीन केसेस बनेंगे, सॉल्व करेंगे. लास्ट में लिखेंगे कि ये हमारे ईपीएस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट, उससे ज्यादा है, देयरफॉर ईपीएस इज राइजिंग. क्लियर? और मैं आपको फैक्ट बताऊं, मुझे पहले ही लाइन में पता था कि मुझे फेवरेबल का बनाना है, तो मैंने ये डेटा लिया. कैसे पता लगता है सर? ध्यान से देखेंगे. मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट करी यहाँ पे? 30 लाख. और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेने वाला हूँ? 10%. ये मुझे पहले ही पता था. तो 30 लाख का 10% कितना होता है? 3 लाख. मैंने क्या करा? प्रॉफिट को 3 लाख से ज्यादा रखा, क्योंकि इंटरेस्ट मुझे 10% देना है, यानी कि 3 लाख देना है. अगर मैं सारा पैसा डेट से ले लूं, उससे ज्यादा रखो, 10% से ज्यादा रखोगे तो वो फेवरेबल ही आने वाला. अर्निंग ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि 3 से ऊपर जाते ही अर्निंग ज्यादा हो गई अगर इंटरेस्ट से, तो फेवरेबल ही आएगा. तो इसलिए मैंने ये फ्रेम किया. अगर मुझे ये पता होता कि मुझे अनफेवरेबल का बनाना है, तो पहली बात तो मैं मीनिंग याद करता. अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, से कम कमाऊंगा. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिया मैंने एग्जांपल में? 10%, यानी कि 30 लाख का 10% 3 लाख मुझे कम कमाना है, तो 3 लाख से कम रख दूंगा. यहाँ पे ये जो है ना ईबीआईटी, इसको 2 लाख रख के निकाल लेना, देखना ईपीएस फॉल होगा. ईपीएस क्या होना शुरू हो जाएगा अगले नीचे देख लो, एग्जाम्पल 2 में इन्होंने यही किया. 30 लाख का सेम देखो इन्वेस्टमेंट, टैक्स रेट 30%, ईबीआईटी 2 लाख ले लिया. ठीक है? और सिचुएशन वही थी, नो डेट, 10 लाख के डेट, 20 लाख के डेट. नीचे आंसर चेक करो, ईपीएस 0.47, 0.35 और nil. ये नेगेटिव में क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज नोन एज अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज. समझ आ गई बात? यहां तक का टॉपिक हमारा कवर हुआ, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में. अभी के लिए बाय बाय.